सी महारानी नमो नमा, हरि की पटरानी नमो नमा, धन तुलसी पूर्ण तप की, नौशाली ग्राम बनी पटरानी, जागे मंत्र मंजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नवेद आरती, पुष्प की वर्षा बरसानी, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी, सभी सखी मैंने तेरो, यश गावे भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 15। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार, कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्य राज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे नारद जी के चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान में पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया, किंतु वे अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस पर राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह की राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण में और शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने का कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर ले, और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। तब ऐसा देखकर कृत देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालन जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्व कीर्तिमुख नामक गण होकर रहने लगा। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म अध्याय 15वां यही समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।